नेदरलैंड को सुनी मेरे ख्याल से अफगानिस्तान को अफगानिस्तान दे आर डार्क हॉर्स। जब वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई छोटी टीम खेलती है ना तो मैं फितरतन उसे डार्क हॉर्स कह देता हूँ क्योंकि यू नेवर नो। नहीं नहीं, ये जो है देखिए नेदरलैंड की जो आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इन्होंने एक प्रोसेस से आए हैं। इससे पहले वाला टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया में T20 अच्छा खेला है, और जहाँ से वेस्ट इंडीज़ को मार गए ऑब्वियसली इनका कॉन्फिडेंस तो होगा। बट अगेन हैविंग सेड दैट, जिस तरह के पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बड़ी टीम है, उनको ज़्यादा प्रेशर होगा। आपसे इसको नेदरलैंड्स जो है इसकी टीम तब लाइमलाइट में जब इनके एक प्लेयर था राउंडर रियान टेन डिस्कार्टे, वो जब फॉर्म में आया इंडिविजुअल उसने जो परफॉर्म किया तब से ये टीम मरकज़े निगाह ठहरी। सही है। और फिर इन्होंने अच्छे ऑलराउंडर्स पैदा किए। अभी भी इनकी बेसिक स्ट्रेंथ इनकी बैटिंग है जो इन्होंने परफॉर्म भी किया। बट तौफीक भाई 288 एवरेज। अब बिल्कुल जामी भाई देखें, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंडियन कंडीशंस जो हैं वो ऐसी हैं कि यहाँ पे बड़े रन्स होंगे। इसमें 300 प्लस रन्स जो हैं वो आप ये नहीं कह सकते कि ये आप बस मैच जीत गए हैं। उसके लिए भी आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, आपको हाफ जो चांसेस हैं उनको अवेल करना पड़ेगा। आप देखेंगे न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से कल खेली है वो मतलब उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो 400 रन्स भी होते तो ऐसा लगता कि वो चेस कर जाते जिस तरीके से उन्होंने खेला है। तो यहाँ पे देखें नेदरलैंड जैसी टीम इसको बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ दे नथिंग टू लूज, उनके पास कुछ ऐसी चीज वो क्या याद है। एक चीज ये भी है कि ये वो टीम है कि जिसके अगेंस्ट हर टीम जो है ना ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करेगी, ऑब्वियसली कि छोटी टीम है और अपने रन रेट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, माड़ी टीम है उसके अगेंस्ट सारे जिस तरह रेकॉर्ड है बोलते मेरे रेकॉर्ड है निकले। तो ये है कि पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा चांस है कि इनके अगेंस्ट वो करें, लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरी एक प्रॉब्लम की बात यह कि पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल रहा है तो पहला फोकस तो ये होगा कि हमने मैच जीतना है, नहीं फिर उसके बाद रन रेट पे जाएंगे। इस टीम को जीतने के लिए कम से कम कितने रन होने चाहिए? पाकिस्तान को 300 तो करने चाहिए यार, क्योंकि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है। जिस तरह अजमल भाई ने बात की है, तौफीक जिस तरह बात कर रहे हैं, 350 रन अब विनिंग स्कोर है। पार स्कोर जो है आपका 325 है, इस पे आप जाके फाइट शुरू करोगे मेरे ख्याल से। अच्छी टीमें आपको पड़काएंगी क्योंकि बाउंड्रीज भी हैं वो एक साइड से छोटी हैं। देखिए जामी भाई, इसमें सबसे जो फैक्टर है और जो हम एज टीम एज मतलब अगर देखें आप तो जो मिस कर रहे हैं वो है 10 ओवर से 40 ओवर्स का जो पावर प्ले है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग विकेट्स नहीं ले पा रहे उसमें एक। और एशिया कप में बिलखसूस हमने ये सफर किया जी, हाँ बिल्कुल, हमने पहले 10-12 ओवर में स्ट्राइक किया, चार आउट किए, लेकिन उसके बाद क्या होता है इसमें। मैं ये चीज समझता हूँ कि जिस मैच में मैं अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस मैच में ऊपर से नए बॉल से शाहीन अफरीदी आपको आउट करके नहीं देगा उस मैच में आप स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि देखें आप 10 से जो 40 में अब एक लॉ है कि आपने 5 फील्डर सर्कल के अंदर रख दी, तो एक जो है एक फील्डर आपको एक आपके पास बाउंड्री ऑप्शन बैटर के पास हमेशा रहता है जो कि वो उस 10 से 40 ओवर्स के दरमियान वो अवेल करते हैं बैटर्स जो भी हैं। तो आपने जब 5 फील्डर अंदर होंगे तो ऑब्वियसली बॉलर पे प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको एक फील्डर पीछे आप नहीं ले सकते तो वो बाउंड्री ऑप्शन आपका एक हमेशा खुला रहता है। तो वो उस ओवर्स के दौरान जो टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी या विकेट्स लेगी या रन्स जो है वो कंटेन करेगी वो टीम के पास ज़्यादा चांस होगा मैच जीतने का।